नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, लेखपाल एग्जाम को लेकर ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे, तो उसी से परिप्रेक्ष्य में हम कुछ आपको ऐसा बताएंगे जिससे आप मान लीजिए कि तैयारी कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, किस प्रकार से आपके नंबर और ज़्यादा ज़्यादा आ सके। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे, मान लीजिए किसी कारणवश तैयारी उनकी अच्छी ना भी हो, तो किन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि नंबर बेहतर से बेहतर आए। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं तो चार सेक्शन है हमारे पास। ठीक है, पहला क्या है आपका, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी। दूसरा है आपका गणित का सेक्शन है। ठीक है, तीसरा है आपका सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान बोल सकते हैं, सामान्य जानकारी बोल सकते हो, जो भी आप बोलो। ठीक है, और चौथा है आपका ग्राम विकास, ग्राम विकास। चार सेक्शन है। और देखिए, सामान्य हिंदी के कितने कुछ प्रश्न आ रहे हैं, 25, मतलब सभी के 25-25 आ रही है, आपको सबको पता है, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। देखिए, शुरू करते हैं हम सामान्य हिंदी से। देखिए, अगर मैं हिंदी में बात करता हूँ तो हिंदी में सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है इसमें। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए विलोम आ रहा है, पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं, ठीक है, त्रुटियाँ आ रही हैं, समास आ रहा है। तो देखिए, क्या करते हैं लोग, समास पढ़ लेते हैं या ग्रामेटिकल ज़्यादा नॉलेज करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप जैसे त्रुटियाँ उटियाँ वाली हैं, त्रुटियां, ठीक है, इसके अलावा पर्यायवाची, ठीक है, विलोम है, इस तरह में देखिए निश्चित है कि इनमें से क्वेश्चन आते हैं, इन चीजों पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप पढ़िए सब कुछ, लेकिन त्रुटि वुटी में जरूर ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और सामान्य हिंदी से लेकर ज़्यादा कुछ है नहीं, आप देख लीजिएगा सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, देखेंगे बहुत ही छोटा सिलेबस है हिंदी का, लेकिन हिंदी में भी उन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा जिन जो सेक्शन आपको नहीं आता। अब जैसे जो सेक्शन आता है, जैसे मुहावरे वुहावरे हैं, वो लगभग लगभग सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जैसे कि अब त्रुटियों में दे दिया कि बताइए आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, अनुसांगिक कैसे लिखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें कन्फ्यूजन हो जाता है जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, तो अगर हम पहले से उन चीज़ों पे फोकस किए रहते हैं तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो बात रही हिंदी की। अब मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स को इसने तीन सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आपका जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें से कि गुणनखंड किसे कहते हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज संख्या, अभाज संख्या, इसके अलावा जो है आपका दूसरे सेक्शन में बीजगणित में अगर बात की जाए तो आपका लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है, बीजगणितीय परिमेय, ठीक है, द्विघात समीकरण, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। देखिए अगर मैं बात करूँ आपसे तो नंबर सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति की मैं बात करूं तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन मात्र आपके एक या दो क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं रहेंगे, लेकिन बीजगणित से आपके भी दो क्वेश्चन रहेंगे। तो बीजगणित में आप देखेंगे केवल दो ही चीज़ दिया है मुख्य रूप से, एक तो जो आपका मतलब लघुत्तम समापवर्तक LCM और SCF है, और दूसरा द्विघात समीकरण है। तो देखिए नंबर सिस्टम में हमने बता दिया, बीजगणित में आप देख लीजिएगा कि LCM SCF, देखो सबको आता है SCF किसे कहते हैं, LCM किसे कहते हैं, आपको निकालना भी आता है, लेकिन LCM और SCF का क्या जो है रिलेशन है उसको आप जरूर फोकस कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जनते बीजगणित में A+B का होल स्क्वायर, मतलब जितने भी फार्मूले हैं उनको देख लीजिए। अगर आप देखना चाहें तो हमारा भी वीडियो पड़ा हुआ है मैथ में, आप देख सकते हैं उसकी। इसके अलावा जो तीसरा है आपका, वो है आपका सबसे ज़्यादा स्टैटिक्स पोर्शन में ही है, जिसमें आपका पाई चार्ट है, ठीक है, इसका पाई दंड है, समांतर माध्य है, ये सारी चीजें हैं। इसको आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके ज्यादा रहेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सेक्शन से रहेंगे जिसमें चार्ट वार्ट के बारे में, चाहे वो पाई चार्ट हो, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पाई चार्ट है या दंड चार्ट है, जो भी है, इसके अलावा आपका जो है समांतर माध्य है, समांतर माध्य है, ठीक है,
इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। क्यों? देखिए नंबर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है आपका लाभ हानि प्रतिशत ये सारी चीज दी हुई है, उन सारी चीजों को उपयोग यहाँ भी करेगा। ठीक है, देखिए समांतर माध्य और जो केंद्रीय माप होता है ये सारी चीजें हमने वीडियो नहीं बनाए, लेकिन अगर आप कहेंगे तो एक वीडियो हम इसका पूरा आपको बना देंगे, एक दिन देख लीजिएगा पूरा एकदम खत्म रहेगा। और तीसरा जो सेक्शन है आपका वो है रेखा गणित का। किसका है? रेखा गणित का। रेखा गणित ध्यान दीजिएगा, रेखा गणित में, रेखा गणित में जितना भी है इसमें दिया हुआ आप सिलेबस देख लीजिएगा और हमारे वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, एक एक पॉइंट को हमने समझाया हुआ है और आप देखेंगे तो रेखा गणित से अगर मान लीजिए दो या तीन या चार क्वेश्चन जो भी आएंगे हमारे वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। पूरा हमने पढ़ाया, हर सेक्शन को एकदम कम्प्लीटली बेसिक से समझाया है और ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, तो आप जा सकते हैं देख सकते हैं। तो रेखा गणित तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि जितना हमारे पास समय था उतना हमने उसमें अपलोड कर दिया है। लेकिन दूसरे जो सेक्शन इसमें मैं पाई चार्ट वाला समांतर माध्य ये हम आपको एक या दो दिन में प्रोवाइड करा देंगे, इसमें भी आप टेंशन मत लीजिएगा। नंबर सिस्टम में देखिए बड़ा पोर्शन है और ये इसमें बता दिए कि जो है आपका क्या बोलते हैं, जैसे कि परसेंटेज हुआ, लाभ हानि हुआ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको आप जो है वैसे भी किए होंगे या नहीं किए हैं तो एक बार देख लीजिएगा, और अगर हो तो कोई प्रैक्टिस सेट हो तो उससे इससे प्रयास कीजिएगा, और फिर भी यदि कोई समझ नहीं आता तो आप कमेंट भी कीजिएगा, तो हम अगर आपको किसी सेक्शन में अगर दिक्कत होगी तो हम उसका भी वीडियो आपको अपलोड कर देंगे, बता देंगे कैसे करना है, ठीक है। तीसरा चीज आती है सामान्य जानकारी की। सामान्य जानकारी ध्यान दीजिएगा, सामान्य जानकारी का अगर क्षेत्र देखेंगे तो सबसे बड़ा है, देखने में आप सिलेबस उठा के देखिएगा जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इतना बड़ा दिया, इतना लंबा चौड़ा दिया, 25 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, अब इसको कैसे तैयार करेंगे, जिसमें विश्व भूगोल भी दिया है, भारतीय भूगोल भी दिया है, ठीक है, इसमें विश्व इतिहास भी दिया है, भारतीय इतिहास भी दिया है, मतलब हर सेक्शन है। तो देखिए इसमें सावधानी बरतना होगा, कैसे, जैसे देखिए इसमें सामान्य विज्ञान दिया हुआ है, सामान्य विज्ञान में, सामान्य विज्ञान के आपके इसमें कम से कम दो या तीन क्वेश्चन जरूर रहेंगे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, सामान्य विज्ञान के दो या तीन क्वेश्चन रहेंगे। अब दो या तीन क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे कि डीपली पूछ लेगा कि बताइए इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, नहीं, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो डेली लाइफ में यूज, वो लिखा भी है कि विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो हम डेली लाइफ में दैनिक जीवन में क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसकी कुछ उपयोगिता है, समझ रहे हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि जैसे कि आलू क्या है, तना है कि जो जड़ है, क्या है, हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में बात करूं तो जैसे यूनिट्स वूनिट्स हैं, इकाई उकाई है ना, अलग अलग चीज़ों की कि लंबाई की जो है किस मापी जाती है, ठीक है, इसके अलावा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो ये सारी चीज़ें विज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, दो या क्वेश्चन तीन रहेंगे, इनको देख लीजिए, ज़्यादा डीपली मत जाइएगा। इसके अलावा मैं बताऊं तो कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आपका जरूर रहेगा, कंप्यूटर भी दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ देख लीजिएगा, कंप्यूटर का एक क्वेश्चन रहेगा, श्योरली है। अब बताइए 25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिए है और कंप्यूटर में आएगा क्या? कंप्यूटर में या तो ये जो है शॉर्ट फॉर्म दे देगा, या तो फुल फॉर्म जैसे दिए रहते हैं उनको पूछ लिया, सीपीयू फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ लिया कि बताइए आईपी फुल फॉर्म क्या होता है, वो इस प्रकार से पूछेगा क्वेश्चन सामान्य जानकारी, या तो पूछेगा कि बताइए जो है कंप्यूटर का खोज किसने किया, ठीक है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, अगर कोई छोटी सी बुक मिल जाए तो उस पर आप ध्यान दे लीजिएगा, और शॉर्टकट कीज हुई, फुल फॉर्म हुआ, इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, उसी में से क्वेश्चन आपका ये आ गया, तो दो चीज़ें तो हो गई। तीसरा देखिए मैं हिस्ट्री की बात करूँ, इतिहास की, इतिहास ध्यान दीजिएगा आप, इतिहास, तो इतिहास में देखिए सबसे ज़्यादा अगर इतिहास में कोई पोर्शन आएगा तो वो आएगा मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है, आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इतना समय हमारे पास नहीं है, ठीक है, कि पूरा इतिहास को पढ़ा जाए, लेकिन अगर किसी भी चीज़ का सबसे ज़्यादा रिवीजन करेंगे इतिहास में भी तो वह आपका आधुनिक भारत का इतिहास। इसको जितना ज़्यादा ज़्यादा आप रिवाइज कर सके उतना ज़्यादा रिवाइज कीजिए, ठीक है। बाकी सेक्शन को मैं नहीं कहता कि कोई कम है ज़्यादा, लेकिन मेरा पर्सनली ये व्यू है कि आप आधुनिक भारत के इतिहास को बार बार पढ़िए, ठीक है। एंशियंट पे आप थोड़ा बहुत फोकस कीजिए, मेडिवल में
अगर बहुत कम फोकस करते तब भी चल जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको आधुनिक भारत के इतिहास में करना पड़ेगा। ये रही इतिहास की बात। इसके अलावा देखिए इकोनॉमिक है, जो है आपका अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था है, ठीक है, पॉलिटी है, तो ये सारी चीजों में भी एक एक क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं होंगे। एक बार आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप कोई ना कोई प्रैक्टिस बुक ले लीजिए, आप किसी भी प्रकाशन के ले लीजिए जो भी आपको पसंद आए, और उससे डेली डेली प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर ये चौथा जो आपका है वो है आपका ग्राम विकास, ध्यान दीजिएगा ग्राम विकास, इससे भी 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इसका आप सिलेबस पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी 25 क्वेश्चन हैं और ये मायने रखता है। तो इसमें जो है आपको कोई भी मार्केट से बुक ले लीजिए और उसमें देखिएगा कि करेंट रिलेटेड कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश की चल रही हैं, ठीक है, या पहले की कौन सी योजनाएं हैं जो अभी तक कार्यरत हैं, इन चीज़ों पर फोकस कीजिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप लोग जानते हैं लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, या लेखपाल संबंधी जितने भी जो है मतलब राजस्व विभाग में जो भी अधिकारी होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं, इन चीज़ों पर फोकस करते हुए लाइन टू लाइन, ज़्यादा डीपली मत जाना है, लाइन टू लाइन हमें फोकस करना। बहुत सारी बुकें हमने देखा है जिसमें थ्योरिटिकल बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन उसमें आपको मेन लाइन टू लाइन ज़्यादा ज़्यादा याद करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट इन सब में अगर मैं देखूँ तो पड़ेगा आपको उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सामान्य जानकारी या ग्राम विकास में सबसे रिलेटेड मिला के। और मैं कह दूं कि अगर समसामयिक जिसको हम लोग बोलते हैं करंट, उससे भी रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में फोकस कीजिए, और आप अगर देखना चाहें तो हमारा भी जो है प्लेलिस्ट में उत्तर प्रदेश से हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं और लगातार हो रहे हैं अपलोड, तो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर हर एक चीज़ को हम बताते चल रहे हैं, तो आप देखना चाहें तो देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से लास्ट 15 दिन में आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपके नंबर मान लीजिए किसी का 80 हो रहे हैं, तो अगर इस प्रकार से आप करेंगे तो कम से कम 2-3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आपके जरूर पड़ेंगे। और जो लोग मान लीजिए अभी तक नहीं पढ़े, अगर वो इस चीज़ को ध्यान देंगे तो उनके अच्छे नंबर आने की पूरी से पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो मैं आप लोग पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए, ठीक है, समय आपको बहुत बहुमूल है, ज़्यादा अपनी बात को नहीं कहता हूँ, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा कि लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए ताकि सबको बेनिफिट हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।